औषधि ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाली घंटी को दबाना मत भूलिए जय श्री कृष्णा दोस्तों सभी को दोस्तों ये जो वनस्पति आप लोग देख रहे हैं इसको कहीं कहीं शंख दरिया या फिर बिजनौरा नीबू के नाम से जाना जाता है दोस्तों प्रकृति ने अगर हम हमारे पास समस्या दिया है उसका समाधान भी वहीं पर है पर दोस्तों सबको मालूम नहीं होता तो दोस्तों ये जो शंख दरिया ने है ये पथरी का रामबाड़ी इलाज है दोस्तों जड़ से ख़त्म कर देता है पथरी को अगर आपके घर में सदस्य को किसी भी सदस्य को पत्थरी जैसी समस्या है दोस्तों पत्थरी की जो पीड़ा होती है असहनी पीड़ा होती है अगर उसे को जड़ से आप लोग ख़त्म करना चाहते हैं तो आप लोग इस वनस्पति का उपयोग जरूर करें दोस्तों इसमें से छः से सात इंच का एक फल पाया जाता है जो कि हम आपको आगे वीडियो में दिखाने वाले हैं और इसके बड़े बड़े पत्ते पाए जाते हैं सबसे बड़ी बात है दोस्तों इसको पहचानना आप लोग अच्छे से पहचान कर लीजिए जैसा कि आप लोग अपने यहाँ पर वीडियो में देख रहे हैं और यूट्यूब पे जाएंगे दोस्तों बहुत सारे ऐसे नींबू हैं जिनको आपको बिजनौरा या फिर शंखदारी नींबू के नाम से बताए हुए हैं पर दोस्तों बहुत सारे ऐसे वीडियो है जिसमें इसको गलत बताया गया है मैं खुद देखा हूँ इसीलिए हमें इसकी वीडियो बनानी पड़ी कि भाई किसी को गलत सलाह ना दी जाए जरूर जानकारी ना मिले नहीं गलत प्रयोग करने से गलत असर पड़ सकता है तो दोस्तों इसके फल का उपयोग आपको करना क्या है जिस व्यक्ति को अथरी है तो दोस्तों इसको क्या करना है फल को काट लेना है जैसे कि फल दोस्तों आप लोग अपने सामने देख रहे हैं फल को काट करके उचित मात्रा में आपको प्रयोग करना है सुबह खाली पेट दोस्तों दो चार दिन ही करने से आपकी जो है तो जड़ से ख़त्म हो जाएगी और बहुत ही आराम मिलेगा और दोस्तों अगर कोई पशु है माल मवेशी है अगर किसी भी वजह से वो घास के साथ में या फिर खाने के साथ में लोहा निकल गया हो तो दोस्तों उसको भी आप लोग इसका उपयोग कर सकते हैं पर पशु के लिए कुछ ज़्यादा मात्रा में अगर खा लेता है तो अच्छी बात है अगर नहीं खाता तो उसको कूट पीट करके बढ़िया पेस्ट बना लीजिए कढ़ा टाइप का कर बना करके उसको पिला दीजिए दोस्तों बहुत ही जल्द में उस लोहे को शंखधारी नींबू या फिर बिजनौरा नींबू जो होता है गला देता है और दोस्तों इसमें सफ़ेद सफ़ेद फूल आते हैं और फूल इसमें गर्मियों के दिन आते हैं गर्मियों से जैसे बरसात चालू होने वाली होती है तब इसमें फूल आते हैं जून जुलाई के अंतर्गत इसकी पत्तियाँ भी छः सात सेंटीमीटर की होती है। हो जाते हैं ऊपर हो जाती हैं आठ दस सेंटीमीटर की हो जाती हैं पत्तियाँ लंबे लंबे कांटे होते हैं भूरा भूरा आकार का कुछ इसका पौधा होता है दोस्तों सबसे ज़्यादा पहचान करने वाली बात है इसमें फल लगा फल जो होता तो है तो लंबे लंबे एकदम हरे हरे होते हैं और साथ में पकने पर ये पीले हो जाते हैं तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ औषधि ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब कीजिएगा और बगल वाली घंटी को जल्दी चल, से ऑन कर दीजिएगा ताकि भी हम कभी आपको औषधि गुण के बारे में जानकारी दें आपको नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाए और आप लोग जल्दी से जल्दी यूज करना जान जाए तो दोस्तों आप लोग इस ज्ञान को सब में बांटिए। ऐसा नहीं है कि आप अपने अंदर छुपा करके रखिए उसको बांटिए सबको ताकि सबको पता चले और समय पर इलाज हो जाए तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।